सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक्स और जी में आप फ़र्क कैसे करेंगे। एक एक्स वेरिएंट होता है, दूसरा जो है वो आपको जी वेरिएंट में मिलेगा। बूट साइड आपको दिखाता चलूँ इस गाड़ी का। तो यहाँ पे मैन्युअली आपको ओपन करना होगा, और यहाँ अगर डिमांड की बात करें तो इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है शोरूम वाले की तरफ से। थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, बाकी इंजन सस्पेंशन बिल्कुल अपनी हालत में मिलेगी। 1500 cc पेट्रोल इंजन के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टोयोटा करोला एक्स, जो कि लाहौर नंबर में है। 2002 की मॉडल है और 2013 रजिस्टर है ये गाड़ी। 1500 cc पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक्स और जी में आप फ़र्क कैसे करेंगे। एक एक्स वेरिएंट होता है, दूसरा जो है वो आपको जी वेरिएंट में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको मैनुअल मिलेंगे एक्स वेरिएंट में, और जी वेरिएंट में ये आपको टच ऑप्शन के साथ मिलेंगे। एसी वेंट जो है, ये सारी चीज़ें। गाड़ी इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से भी बहुत ही शानदार कंडीशन के साथ है, और वाइट कलर के अंदर आपको मिलेगी। लाहौर नंबर है, मतलब नॉन कस्टम पेड नहीं है, ये रजिस्टर्ड गाड़ी है। 2013 की रजिस्टर है, 2002 की मॉडल है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह वीडियोस टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। पहले स्टार्ट करेंगे इसके एक्सटीरियर से, आपको बताएंगे कि इसमें क्या फीचर्स है। वैसे ज़्यादा फीचर्स तो इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे आपको करोला एक्स और जी में, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और किस कंडीशन में अवेलेबल है ये गाड़ी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको लो बीम और हाई बीम दोनों हेडलैम्प्स मिलेंगे। साथ में यहाँ पे करोला की ब्रांडिंग की गई है, और क्रोम की ट्रिमिंग यहाँ पे ग्रिल आप देख सकते हैं। कोई सेंसर का ऑप्शन है, और ये आप देख सकते हैं LED लाहौर नंबर जो है, 13 रजिस्टर गाड़ी है ये। साथ में इंडिकेटर का ऑप्शन आपको फ्रंट प्रोफाइल में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिट्रैक्टेबल मिरर्स, बॉडी कलर के आपको लैचेस मिलेंगे, और साथ में की का ऑप्शन। इंटीरियर के हवाले से आपको क्विक रिव्यू दूँ तो आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर। लेदर की सीट्स हैं वाइट कलर में, और रेयर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करोला की ब्रांडिंग, और यहाँ पे जी का मार्क आपको मिलेगा, लेकिन ये जी नहीं है, ये एक्स वेरिएंट है। और बैक कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल है, टोयोटा की ब्रांडिंग, और इसके अलावा यहाँ पे की का ऑप्शन भी बूट साइड पे अवेलेबल है। हाई माउंटेड लैंप्स भी मिलेंगे। गाड़ी की लुक की अगर बात करें तो बहुत ही साफ कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलेगी। बूट साइड आपको दिखाता चलूँ इस गाड़ी का। तो यहाँ पे मैन्युअली आपको ओपन करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बूट साइड। पेट्रोल इंजन के साथ है, 1500 cc पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर पे, और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। मैनुअल सीट्स मिलेंगे, लेदर की सीट्स है वाइट कलर के अंदर, और की स्टार्ट ऑप्शन के साथ है। पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो आपको विदाउट मल्टीमीडिया सिस्टम मिलेगा, और इसके अलावा एनालॉग में मीटर। डैशबोर्ड आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। यहाँ पे दोनों कलर जो है यूज़ किए गए हैं, वाइट भी और साथ में ब्लैक भी। डैशबोर्ड स्पेस आप चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्क्रीन अवेलेबल है, और मैनुअल हीटर एडजस्टमेंट बटन्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ये स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है। हैंड सपोर्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। ज़्यादा फीचर्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मिरर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसके सनशेड पे। पैसेंजर साइड के लिए मिरर का ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जी वेरिएंट में जो लंदन इंपोर्ट गाड़ी होती है उसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा। एक्स में अभी तक कोई सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जी जो लंदन इंपोर्ट होते हैं उसमें सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये रही इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी। और मज़ीद यहाँ पर चारों डोर्स पर आपको ऑडियो सिस्टम मिलेंगे, पावर विंडोज़ है इस गाड़ी के अंदर, डिमांड भी मेंशन किया जाएगा इस गाड़ी का। चलते हैं इस गाड़ी के रेयर साइड पे, और आपको इस गाड़ी का रेयर साइड दिखाते हैं।
पावर विंडोज़ मिलेंगे टू टून्स के साथ इसका डोर्स, और साथ में यहाँ पे ऑडियो सिस्टम। फाइव सीटर गाड़ी है, लेदर की सीट्स आपको वाइट कलर में मिलेंगे सारे। फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी कंडीशन के साथ है। और यहाँ पे आपको केबिन लैम्प का ऑप्शन हैलोजन में मिलेगा, ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के अंदर। और रेयर सेट के लिए कोई ऐसी इवेंट्स आपको नहीं मिलेंगे इन मॉडल्स में। गाड़ी में आपको कोई डेंट और रीपेंटिंग नहीं मिलेगा, मतलब कोई डेंट और कलर नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर आपको ये गाड़ी मिलेगी। और स्पेसिफिकेशन आपको मैं दोबारा बताता चलूँ, टोयोटा करोला एक्स 2002 की मॉडल है, 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है, और ये गाड़ी रजिस्टर है लाहौर 2013 रजिस्टर है, ठीक है। तो अब चलते इस गाड़ी के इंजन सस्पेंशन पे, और आपको इस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन दिखाते हैं। इंजन सस्पेंशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, बाकी इंजन सस्पेंशन बिल्कुल अपनी हालत में मिलेगी, 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है, कोई कलर अवेलेबल नहीं होगा इंजन सस्पेंशन में। अगर डिमांड की बात करें तो इस गाड़ी का डिमांड किया जा रहा है शोरूम वाले की तरफ से 27 लाख रुपए, क्योंकि ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, ये डिमांड है, फाइनल प्राइस नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन के दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें या आप ख़ुद शोरूम विज़िट करें, ये फॉर सेल अवेलेबल है खान मोटर शोरूम में। इसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपको राइट रिव्यू की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।